विरासत वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ प्रिंसेस के साथ जा रहे हैं ऑफिशियल रॉयल ड्यूटी पर। प्लीज, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सचेंज में एक प्रिंसेस का होना जरूरी है। पिछले साल प्रिंसेस कैडेंस गई थी, इस साल मैं जा रही हूँ, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। मुझे यकीन है बाकी पोनीज को पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहाँ हूँ। मैं गलत हो सकती हूँ, पर मेरे ख्याल से उन लोगों ने नोटिस किया है। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। ओह माय गॉडनेस, सही कहा, रेनबो फॉल्स ट्रेडर्स एक्सचेंज बेहद शानदार होती है, वहाँ आपको कुछ भी मिल सकता है और वहाँ आप अपनी चीज बेच भी सकते हो। नहीं। थैंक्स ट्वाइलाइट, एक भी दाग धब्बा या डेंट और पार पोनीज कॉमिक बुक परफेक्ट मिंट कंडीशन में नहीं रहेगी, और अगर आपको मिंट कॉमिक चाहिए तो बदले में मुझे देना होगा मिंट कॉमिक। मेरे ख्याल से एक पोनी जो यहाँ ऑफिशियल प्रिंसेस बिजनेस के लिए आई है, उसका थोड़ा स्वागत तो करना चाहिए। पर मेरा काम सिर्फ इतना है कि अगर किसी सौदे में कोई झगड़ा हो तो उसे सुलझाना, और क्योंकि नियम के मुताबिक अगर दोनों पोनीज को जो चाहिए वो मिल जाता है तो सौदा बिल्कुल वाजिब है, इसलिए आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ किसी भी पोनी को मुझे स्पेशल ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। हाय, तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? यहाँ एक पोनी है जिसके पास साइंड फर्स्ट एडिशन है डेरिंग डू एंड द क्वेस्ट ऑफ द सफार स्टैचू का, और मैं वो लेने वाली हूँ। मेरे पास सारी डेरिंग डू बुक्स के फर्स्ट एडिशंस हैं, सिवाय इसके आज तक किसी भी पोनी ने पूरा सेट जमा नहीं किया, और मैं पहली होने वाली हूँ। अगर अब तक उसका सौदा ना हुआ हो, वो इक्वेस्ट्रिया में आखिरी किताब है। ओह नहीं, मुझे तुम्हें निराश देखकर बहुत दुख होगा। मैं इस बैट कॉल के बदले बर्ड विसल का सौदा करने आई हूँ, पर लगता है वो किताब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद चाहती हो। नॉर्मली मैं कहती कि मुझे नहीं चाहिए, पर तुम सही हो, ये बुक बहुत जरूरी है, मुझे बुक चाहिए ही चाहिए। वेल, मैं जाकर कुछ विंटेज शॉप देख कर आती हूँ। क्या तुमने विंटेज कहा? तुम्हें पता है पुरानी और नायाब चीजें आजकल स्टाइल में है, उम्मीद है मुझे भी कोई विंटेज चीज मिल जाएगी, बस ऐसा हो कि सौदे के लिए मेरे पास जरूरी सामान हो। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। Hey, हम अपनी चीजों को एक साथ मिला क्यों नहीं लेते? मिला ले? इस तरह अगर हम में से किसी को कुछ ऐसा मिला जिसके बगैर वो रह नहीं सकती, उसे तो वो जरूर मिल जाएगा। कौन मना कर सकता है एक लौती चीज के बदले इतनी सारी चीजें लेने से? ओह हाँ, ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे खुशी है तुम मेरी दोस्त हो एप्पल जैक। मुझे भी बहुत खुशी है, तो चलो करते हैं शॉपिंग। क्या प्रिंसेसेस को रॉयल बग सीट्स की तरफ नहीं चलना चाहिए? मैं जरूर प्रिंसेस ड्यूटी पर यहाँ हूँ, पर मुझे नहीं लगता इसका मतलब है कि मुझे पूरा दिन बस वहीं बैठे रहना है। जब से मैं प्रिंसेस बनी हूँ, सेलेस्टिया मुझे पढ़ने के लिए और ज्यादा किताबें भेज रही हैं। मेरी लाइब्रेरी भर चुकी है, तो मैंने सोचा जब मैं यहाँ आ ही रही हूँ तो क्यों ना मैं भी कुछ किताबों का सौदा कर लूँ। Daring Do and the Quest of the Sapphire Statue का first edition, वो भी अभी तक बिका नहीं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि इसके बदले मैं देने वाली हूँ अपनी सबसे कीमती चीज, मेरा लकी हॉर्सशू। मुझे नहीं चाहिए। क्या? ये बस एक पुराना जंग लगा हुआ हॉर्सशू है, मेरी नजर में इसकी कोई कीमत नहीं। पर रेनबो डैश को वो बुक कैसे मिलेगी जो उसे वाकई चाहिए? वेल, उसे वो नहीं मिलेगी। अगर वो मुझे वो ला दे तो। ओह, एक आर्थोस, कितना क्यूट है। वो एंशिएंट बीस्ट की स्टॉल चला रही है, उसे मेरी चीजों में से कुछ नहीं चाहिए। पर अगर तुम मुझे एक आर्थोस ला दो तो मैं तुम्हें उसके बदले ये बुक दे दूंगी।
जैसा तुम चाहो। मैं नहीं जानती कैसे, पर हमें किसी भी तरह ऑर्थ्रोस हासिल करना होगा। एप्पलजैक, अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। मुझे भी, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मुझे एक विंटेज चीज मिल गई है जो मुझे चाहिए ही चाहिए, और उसके बदले में मुझे मिला तुम्हारा सारा सामान। विंटेज चीज कहाँ है जिसके बदले में तुम्हें हमारा सारा सामान देना होगा? वहाँ। कहाँ? ठीक वहाँ पर। पर ये तो बस एक पुराना डेंट पड़ा हुआ पाइटन है। एक डेंट लगा हुआ पुराना पाइटन? इसमें जो धातु इस्तेमाल हुई थी उसकी मदद से पाई 5 सेकंड जल्दी पकाया जा सकता है। ऐसे टिन्स बनाना बंद हो गए हैं। मुझे बेहद खुशी है कि तुमने मुझे ये दिखाया डार्लिंग, क्योंकि जब एक बार तुम वो देखोगी जो मुझे पसंद आया, तुम अपना सारा सामान इस पर नहीं वेस्ट करोगी। जरा इस पुराने खूबसूरत ब्रॉच को तो देखो, ये अपने आप में नायाब है। ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि तुमने पहन रखा है। हाँ, ये इसकी जैसा दिखता जरूर है, पर मैं जानती हूँ कि ये ज्यादा पुराना है और इसी वजह से ये नायाब है। पर ये तो कोई बात नहीं हुई, मुझे लगता है अगर मैं दोनों को बदल दूँ तो तुम इनमें फर्क ही नहीं बता पाओगी। ओह, कुछ भी मत बोलो, बेशक मैं बता सकती हूँ। तो बताओ इनमें से पुराना वाला कौन सा है? ये वाला, बेशक। तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? बल, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि जिस चीज पर तुम हमारा सारा सामान वेस्ट करना चाहती हो वो तुम्हारे पास पहले से ही है। कोई भी पोनी इन दोनों में फर्क ही नहीं बता सकती। सबका ध्यान इस पर ज्यादा जाएगा बजाय कि उस बेकार टिन के डब्बे से जो किसी पाई को आम टिन से 2 सेकंड पहले पका देता है। वो 5 सेकंड पहले पका देता है। यस, कितना प्यारा दो सर वाला डॉग है। रुक जाओ, ऐसा मत करो, अब तुम भी शुरू मत हो जाना। ओके, मैं देख सकती हूँ कि तुम बिजी हो, तो मैं साफ साफ बताती हूँ, मुझे इस हॉर्स शू के बदले चाहिए वो। नहीं, बैठ जाओ उस लैंप से जरा बच के। लगता है नया लैंप खरीदना पड़ेगा। डिस्कॉर्ड की शेप में बने लैंप्स का एक पूरा स्टॉल? सीरियसली? इस ट्रेडर्स एक्सचेंज में वाकई कुछ भी मिल सकता है। क्या तुम मुझे हॉर्सशू के बदले लैंप दोगे ताकि मैं ऑर्थ्रोस लेके अपनी बुक ले सकूं? नहीं, पर एक एंटिक चिकन के बदले इसे पा सकती हो। ग्रेट। ये एंटिक चिकन क्या होता है? मेरे पास हर तरह के एंटिक चिकन स्टैचूज हैं। मेरे पास ब्लू हैंड्स हैं और धब्बों वाली। ठीक है, कूल। तो मुझे ये हॉर्सशू के बदले दे सकते हो ताकि मैं इसके बदले लैंप लूं और उसके बदले ऑर्थ्रोस के बदले मेरी बुक? वेल, जरा सोचने दो। नहीं। पर मैं क्रिस्टल चैलेंज के बदले खुशी खुशी अपना चिकन दे दूंगा। मुझे बस एक सेकंड दो, मुझे चाहिए क्रिस्टल चैलेंज जिसके बदले मैं चिकन लूं, फिर एक लैंप, फिर एक ऑर्थ्रोस और उसके बदले बुक। तुम उसके बदले क्या चाहती हो? मुझे यकीन है कि तुम्हें भी बाकियों की तरह कोई अजीब चीज चाहिए होगी। दरअसल मुझे एक थोड़ा सा जंग खाया हुआ पुराना हॉर्सशू चाहिए। अब ये अजीब सी चीज कहाँ मिलेगी? एक मिनट, मेरे पास वो है। अब जब 40 मिल गया है तो बाकी सब आसान हो जाएगा। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? बिल्कुल, हमें बस इसे चिकन स्टैंड पर ले जाना है और उसके बाद हमें तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी किताबें एक टूटे हुए पेन के बदले दे दूं? ठीक है, तो मैं अपनी किताबें तुम्हें दे दूं। ये तुम क्या कर रही हो? मैं इन किताबों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हूँ जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। इसके बदले में क्या तुम्हें वाकई उसकी जरूरत है? Well, जरूरत तो नहीं है, पर मेरी लाइब्रेरी में जगह नहीं है तो। Oh my God, oh my God, oh my God! मुझे यकीन नहीं हो रहा ऐसा होते होते रह गया, पर अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। थैंक्स टू मी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? रूल्स के मुताबिक एक सौदा सिर्फ तभी माना जाएगा अगर दोनों पोनीज को ऐसी चीजें मिल जाए जिन्हें उनकी जरूरत है। तुम नियम नहीं तोड़ सकती। क्या किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा।
लेकिन तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, है ना? मैं मजाक कर रही हूँ, या शायद नहीं, कभी कभी तो मुझे खुद भी नहीं पता चलता। पता है, अगर तुम चाहो तो हम पूरे एक्सचेंज में घूमकर उसका सौदा कर सकते हैं जो तुम लाई हो। नहीं, मैं तो बस देखने आई हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हें ऐसी गलती दोबारा नहीं करने दे सकती। एवरीपोनी, सब यहाँ आ जाओ, आगे मत बढ़ना। अगर आपको असली अपनी जैसी इकलौती ऑफिशियल प्रिंसेस मर्चेंडाइज चाहिए तो सब यहाँ चले आओ। इसमें तो बहुत वक्त लग गया। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो परफेक्ट है। टूटे हुए चैलेंज के म्यूजिक के लिए परफेक्ट है जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ तुम्हें किस तरह का एंटिक चिकन चाहिए? मेरे पास है धब्बे वाला ब्राउन। ओ नहीं, हमने जिसके साथ सौदा किया था उसने बताया नहीं उसे किस तरह का चिकन चाहिए। ओके, देखो मैं बहुत तेज हूँ, तो मैं उस लैम्प स्टैंड तक जाती हूँ और पता करती हूँ उसे कौन सा चिकन चाहिए। बस ध्यान रखना कि मेरे वापस आने तक कोई भी पोनी कोई भी चिकन ना खरीदे। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ शायद। शायद तुम्हें इनमें से कुछ नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें सच में ये चाहिए। आगे बढ़ो, तुम जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। क्योंकि हम दोनों वो नहीं खरीद सकते जो हमें चाहिए, मैं एक अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभाती हूँ। तुम अपना सामान ले लो और तुम जो चाहो खरीद लो। मैं एक बहुत अच्छी दोस्त हूँ, जो चीज तुम खरीदना चाहती हो मेरी नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं है, तो तुम अपना सामान ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो चीज दिलाने की जो मुझे चाहिए? तुम कैसी दोस्त हो? तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। नहीं, तुम खरीदोगी। नहीं, तुम खरीदोगी। हेलो, हमें वो चिकन मिल गया जो आपको चाहिए था। हेलो, वो पोनी कहाँ है जो यहाँ पर था? ब्रेक पर? इन्हीं किताबों को पढ़कर ही तो ट्वाइलाइट आज प्रिंसेस बन पाई है। इससे पहले वो कुछ भी नहीं थी, एक बड़ा सा जीरो थी। हाँ? फिर उसने ये बुक्स पढ़ी और वोला, प्रिंसेस। तो बताओ कौन इस पर बोली लगाना चाहेगा? एक सेकंड प्लीज। पिंकी, ये अच्छी बात है कि तुम मेरी मदद कर रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी पोनी मेरी बुक सिर्फ इसलिए खरीदे कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। मैं बाकी पोनी से बेहतर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बाकी पोनी से बेहतर नहीं हो, बस सब मुझ पर छोड़ दो। क्या मैंने बताया कि प्रिंसेस ट्वाइलाइट को ये बुक्स मिली है प्रिंसेस सेलेस्टिया से? वो रुको, कहीं तुम्हारा मतलब? जी हाँ, बिल्कुल, डबल प्रिंसेस। अरे वाह, मुझे भी क्या चाहिए। देखो, मुझे पता है तुम ब्रेक पर हो, पर तुम्हें स्टैंड खोलना होगा ताकि मैं वो लैम्प खरीद सकूं। सॉरी गर्ल्स, मैं सुबह से ही बेच रहा हूँ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह कम ऑन, प्लीज, प्रिटी प्रिटी प्लीज। सॉरी, मेरा पेट कह रहा है कि नहीं। पर एक्सचेंज तो शाम को खत्म होगा ना? नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट। 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 वाह, काम हो गया। अगर हम इसकी लार में डूबने से बच पाए तो। ओ, ये बस प्यारा सा दो सिर वाला दोस्त है, मैंने सही कहा ना? नहीं, मैं इंसिस्ट करती हूँ तुम जाकर वो ले आओ जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी ही दोस्त हूँ, एक सच्ची दोस्त। वेल, मैं तुम्हें ऐसे मेरी दोस्ती को नजरअंदाज नहीं करने दे सकती।
हमें जल्दी करना होगा। हम इतनी भीड़ से होकर डेयरिंग डू के स्टैंड पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कम ऑन! मेरा पैर कॉल। हमें चलना होगा। बिल्कुल, वो बस एक बैर कॉल ही है। मैं इसके बदले में कोई भी कीमती चीज नहीं ले सकती तुम्हारी तरह। ओके, एक्सचेंज खत्म होने ही वाला है, पर हमने कर दिखाया। हमने क्रिस्टल चालीस के बदले चिकन का सौदा कर ही लिया, और चिकन के बदले क्लैम, और लैम के बदले ऑर्थ्रोस, जैसे कि तुमने कहा था। तो ये रहा ऑर्थ्रोस, चलो बुक कहाँ है? पता है, बात कुछ ऐसी है कि मुझे अब ऑर्थ्रोस नहीं चाहिए। पर अब हम क्या करेंगे? Oh goodness! Good boys! Hey! तुम्हें ने कहा था तुम्हें ऑर्थ्रोस चाहिए। मैं काफी देर से एंशियंट बीस्ट बूथ पर इस ऑर्थ्रोस को देख रही थी। वो पागल है, मुझे अपने घर में ऐसा कोई नहीं चाहिए। तुम तो बहुत अच्छे ऑर्थ्रोस हो। बस पता करो इन्हें कैसे ट्रीट करें। जरा सा सब्र, ट्रेनिंग और इसकी लार पोंछने के लिए मॉप, और फिर ये अच्छे पेट बन सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सौदा करने को तैयार हूँ। यस! अगर वो मेरे साथ आकर मैनहट्टन में रहे जब तक कि वो ट्रेन नहीं हो जाता। काश, एक और दोस्त को ट्रेन करने में बहुत वक्त लगता है। पता नहीं मुझे कितने दिन पोनीवेल से दूर रहना पड़ेगा। पर अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो फिर मैं सौदा पक्का समझूं? बिल्कुल सौदा पक्का है। आखिरकार मैंने कर दिखाया। फ्लटरशाय, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओ नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? तो किसके पास है कीमती सामान प्रिंसेस ट्वाइलाइट की इन बुक्स के बदले में देने के लिए जो उसे मिली है प्रिंसेस सेलेस्टिया से? क्या मैंने प्रिंसेस कहा? मेरे पास है, यहाँ पर। ओह कम ऑन, ये वही बुक्स है जिन्हें प्रिंसेस ने पूरी रात जाग कर पढ़ा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सींग की रोशनी में। अभी थोड़ा मजेदार लगता है, पर ये काफी नहीं है। यही बुक्स पढ़कर ट्वाइलाइट आज एक प्रिंसेस बन पाई है। तो कौन लगाएगा इन बुक्स की? एकदम सही सही बोली। ये बुक्स हमारे किस काम के? किसी काम के नहीं। रुक जा, वापस आओ। ये बुक्स इतनी भी अच्छी नहीं है। ओ हाँ, वो है, पर मुझे लगा तुम इन्हें बेचना चाहती हो। उनमें से किसी भी पोनी के पास मेरी किताबों के बदले देने के लिए कुछ कीमती नहीं है। इसलिए नहीं कि ये बुक्स एक प्रिंसेस की हैं, पर इसलिए कि इन्होंने मुझे वो बनने में मदद की जो आज मैं हूँ। जैसा तुमने कहा, ये वो बुक है जिसमें मैं उस दिन डूबी हुई थी जब स्पाई को लगा कि उसकी जिंदगी एप्पल जैक की अमानत है। और इससे मुझे वो दिन याद आता है जब मैं तुमसे मिली। मुझे अच्छी तरह याद है। शायद मुझे इन बुक्स को कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि इनकी कोई कीमत नहीं है। मुझे अब ये समझ आ गया है, तुम्हारी वजह से पिंकी। मैंने कहा था ना, मैं सब संभाल लूंगी। ट्वाइलाइट, मैं चाहती हूँ तुम कहो एक सौदा सही नहीं है, जल्दी। मैंने सुना जो तुम दोनों ने कहा, और माफ करना रेनबो डैश, पर मेरे हूव्स बंधे हुए हैं। तुमने कहा था कि सौदा पक्का रहा। हाँ मैंने कहा था, पर मैं गलत थी। मुझे वो बुक चाहिए थी बहुत ज्यादा। मैंने कहा था कि पूरे एक्वेस्ट्रिया में सबसे ज्यादा मुझे उस बुक की जरूरत है, पर मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। शायद कुछ देर के लिए मैं ये बात भूल गई थी, पर ये सच है। इसका मतलब यही है कि ये सौदा सही नहीं हो सकता। ओह कम ऑन नाथ, तुमने तो बहुत ही अच्छी बात कही। ठीक है, हम सौदा कैंसिल करते हैं। और इसी के साथ मैं ऐलान करती हूँ कि ये ट्रायल और इस साल का रेनबो फॉल्स ट्रेडर्स एक्सचेंज खत्म होता है। वाह!
मैं जानती हूँ कि ये वो पाइटन नहीं है जो तुम्हें चाहिए थी, पर तुम्हें ये पसंद आएगी। ये इस कबाड़ में सबसे पुरानी जंग लगी चीज थी। वेल, मैंने अपना आधा सामान लिया और उससे तुम्हारे लिए ये खरीदा। और मैं जानती हूँ कि ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही अपनी ड्रॉअर में ऐसी बहुत सारी चीजें रखी है। इससे एक ही बार में पता चल गया कि हम में से कौन सबसे बेहतर दोस्त है। ओह कम ऑन, तुम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम दोनों एक दूसरे की परवाह करते हो। एक दोस्त इससे बेहतर और क्या कर सकता है, यकीन करो मुझे पता है। हे, तुम्हारा डबल डॉगी कहाँ है? मैंने उसके बदले में कोई बहुत ही अच्छी चीज ले ली। वेल, किसने सोचा था मेरी डेरिंग डू की कॉपी और एक सफायर स्टैच्यू। ये एक पुराना पेपर बैक वाला, अपने आप में कुछ खास नहीं वाला फर्स्ट एडिशन है। ये तो और भी बेहतर है। इससे मैं अपनी सारी दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ने वाली हूँ।